तो हमने लास्ट लेक्चर में सेक्शन 20 तक कंप्लीट कर लिया था, है ना। प्लेस ऑफ स्विंग, वाद करने का स्थान क्या होगा ये। अब जो नेक्स्ट हमारी सेक्शन है सेक्शन 21 और सेक्शन 21A, ये भी कहीं ना कहीं प्लेस ऑफ स्विंग का ही पार्ट है। जो हमने प्लेस ऑफ स्विंग पढ़ा है उसी का ये जो है पार्ट है, क्योंकि सेक्शन 15 से लेकर के 20 तक की जितनी भी सेक्शन हमने पढ़ी उनमें हमने कंडीशंस पढ़ी कि हमें कहाँ पर सूट फाइल करना है, कैसी कैसी कंडीशंस में सूट फाइल करना है, ये सारी चीजें उन्होंने बता दी कि कौन कौन से मैटर्स होंगे जिनका सूट कहाँ कहाँ फाइल किया जाएगा। जैसे 15 में बता दिया था कि सबसे पहले अगर आपको सूट फाइल करना है तो लोएस्ट रेट के कोर्ट में ही करेंगे आप। फिर इमोवेबल प्रॉपर्टी से जितने भी रिलेटेड केसेस हैं आपके, उनके लिए आप सूट फाइल कहाँ करेंगे, जहां पर आपका सब्जेक्ट मैटर जिसके जुरिडिक्शन में आता है। सेक्शन 16, 17 में कंपनसेशन के लिए बात कहाँ दायर करेंगे, 18 में भी आपको कुछ कंडीशंस बताएंगे कि कहाँ दायर करेंगे, और 19 बात कर रही थी आपकी किस चीज की, 19 बात कर रही थी कि मूवेबल प्रॉपर्टी और पर्सन को अगर रॉन्ग हो गया है तो उसके लिए आप सूट फाइल कहाँ करेंगे। ये सारी कंडीशंस हमने अभी तक देख ली थी। अब जब हमने प्लेस ऑफ स्विंग को लेकर के इतनी सारी कंडीशंस देख ली, तो अब सेक्शन 21 जो हमारी है, सेक्शन 21 ये बोल रही है कि जब हमने आपको इतने सारे प्रोविजंस देके रखे हैं 15 से लेके 20 तक, आपको बताया है कि क्या कंडीशंस होंगी, कैसे मैटर्स होंगे, तो आपको किस कोर्ट में जाना है। अब इतना सब होने के बाद भी अगर ज्यूरिसडिक्शन का कोई डिफेक्ट आ जाता है आपके सूट में और उसको लेकर के ऑब्जेक्शन आप सही समय पर अगर नहीं उठाते हैं तो फिर आपको ऑब्जेक्शन बाद में नहीं लेने दिया जाएगा। यही सेक्शन 21 का सार है, जो मैंने आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में एक बार बता दिया। बेयर अच्छे तो हम पढ़ेंगे ही लैंग्वेज, वो एक्चुअली में 21 जो सेक्शन है हमारी वो सिर्फ यही बात करती है कि 15 से लेके 20 तक के इतने सारे प्रोविजंस तो आपको बता दिए कि आपको कहाँ सूट फाइल करना है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो कहाँ करना है, मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो कहाँ करना है, आपको रिलीफ चाहिए, कंपनसेशन चाहिए तो कहाँ करना है। उसके बाद भी आप ज्यूरिसडिक्शन को लेकर के कोई ऑब्जेक्शन अगर फिर भी रह जाता है, कोई डिफेक्ट अगर ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड आ जाता है तो आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। लेकिन आप कब, आपने जो ऑब्जेक्शन उठाया है उस ऑब्जेक्शन को कब अलाउ किया जाएगा और कब अलाउ नहीं किया जाएगा, ये बताती है आपकी सेक्शन 21। तो चलिए देखते हैं हम सेक्शन 21। मैं एक बार आपको स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, ये देखिए सेक्शन 21, ऑब्जेक्शन टू ज्यूरिसडिक्शन, अधिकारिता के बारे में आक्षेप। कब आप अधिकारिता के बारे में आक्षेप उठा सकते हैं ये इसमें बताया गया है। तो ध्यान से देखिए, इसमें लिखा हुआ, इसको तीन क्लॉज में बांटा गया है इस सेक्शन को। तो पहला जो क्लॉज है हमारा, ये बात करता है कि जो ऑब्जेक्शन आपको उठाना है वो प्लेस ऑफ स्विंग के बारे में। ध्यान रखिएगा, मैं आपको बहुत अच्छे से ये समझाने की कोशिश करी कि सेक्शन 21 का जो सब सेक्शन 1 है वो बात कर रहा है प्लेस ऑफ स्विंग के संबंध में ऑब्जेक्शन उठाने की, वाद के स्थान के विषय में आपको ऑब्जेक्शन उठाना है, मतलब टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, क्षेत्राधिकार से संबंधित यदि कोई ऑब्जेक्शन है, कोई डिफेक्ट है तो उससे संबंधित आपको आक्षेप उठाना है, तो आप कब उठाएंगे। फिर सेकेंड क्लॉज बात करती है कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट की, सेकेंड क्लॉज बात करती है कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट की, मतलब पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, कि कोर्ट कॉम्पिटेंट है आपका मैटर सुनने के लिए या नहीं, मतलब उसको धन संबंधी कितनी अधिकारिता है, उससे रिलेटेड कोई डिफेक्ट है उसके बारे में आपको ऑब्जेक्शन उठाना है, तो आप सेक्शन 21 की सबसेक्शन 2 में लेंगे। अब बात आती है कॉम्पिटेंस ऑफ एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की, कि क्या एग्जीक्यूटिंग कोर्ट भी ऑब्जेक्शन को अलाउ करेंगे, तो सेक्शन 21 यहाँ पे भी आपको प्रावधान बताती है कि एग्जीक्यूशन के समय पर अगर कोई प्रोसीडिंग चली गई है तब क्या आप आक्षेप उठा सकते हैं ज्यूरिसडिक्शन के आधार पर या पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन के आधार पर। तो देखिए, पहले हम देखते हैं प्लेस ऑफ स्विंग, प्लेस ऑफ स्विंग बात करने के स्थान के आधार पर ऑब्जेक्शन आपको कब उठाना है। तो इन्होंने कहा ये जो सेक्शन 21 ऑफ सीपीसी ये नेगेटिव सेंस में चलती है ना, नो से स्टार्ट है, नो ऑब्जेक्शन, मतलब वो आपको पहले तो मना कर रहे हैं कि आप ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते, नेगेटिव सेंस में। तो देखिए क्या लिखा है,
no objection as to the place of hearing shall be allowed by any appellate or revisional court unless such objection was taken in the court of first instance. Pehla point. Or at the earliest possible opportunity. Second condition. And in all cases where issues or settled or at or before such settlement and unless there has been a consequent failure of justice. ये तीन points हैं जो आपके दो first clause और second clause में तीनों points same रहेंगे. तो इसमें ये कहा है कि जब कभी भी किसी party को place of suing jurisdiction के लिए objection उठाना है, मतलब एक party का कोई case था, उस पार्टी को जो केस था वो उसको किसी एक कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में फाइल करना था. सपोज करिए मेरी कोई प्रॉपर्टी का पोजेशन को लेकर के मेरा कोई केस था और वो ज्यूरिसडिक्शन मेरी जो प्रॉपर्टी है वो किस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में आ रही थी, वो सागर के कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में आ रही थी. लेकिन मैंने वो सूट फाइल सागर में ना करके मैंने जबलपुर में फाइल कर दिया, तो ये क्या हो गया, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के आधार पे डिफेक्ट हो गया ना, कि आपकी अधिकारिता आपकी प्रॉपर्टी किस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में आ रही थी, सागर के में, और आपने सूट फाइल कहाँ कर दिया, जबलपुर के में. तो अब जो अपोजिट पार्टी है, डिफेंडेंट जो है, उसका क्या कर्तव्य बनता है कि वो ऑब्जेक्शन उठाए इस बात को लेकर के. तो अब बताया है कि ये जो ऑब्जेक्शन डिफेक्ट प्लेस ऑफ सुइंग के आधार पर उठाना, ये आप कब उठाएंगे. तो इन्होंने कहा है कि आपको ऐसा कोई भी ऑब्जेक्शन अपीलिएट और रिविजनल कोर्ट में नहीं उठाने दिया जाएगा. आपको ऐसा ऑब्जेक्शन लेना है इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, मतलब जैसे ही जबलपुर में सूट फाइल हुआ था, ट्रायल कोर्ट जो आपकी है वो कौन सी है, जबलपुर है, तो जबलपुर में ही डिफेंडेंट को बोल देना चाहिए था कि सर इस केस को सुनने की अधिकारिता आपके पास नहीं है, ये जो प्रॉपर्टी है ये सागर के कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है, इसलिए इस संबंध में जो डिस्प्यूट है उसको सुनने की अधिकारिता किसको है, सागर की कोर्ट को है. तो ये ऑब्जेक्शन आपको कब उठाना है, इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, प्रथम बार के न्यायालय में. तो प्रथम बार का न्यायालय कौन सा होता है, प्रथम बार का न्यायालय वो होता है कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, वो कोर्ट होता है जिसमें आपने पहली बार कोर्ट सूट फाइल किया. तो आपने कहाँ फाइल किया, जबलपुर में, तो आपको वहीं पर ऑब्जेक्शन उठा लेना है. या फिर सेकेंड कंडीशन क्या बताई है, अगर आप वहां नहीं उठा पाए जबलपुर में और प्रोसीडिंग आगे बढ़ गई, तो अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, तो जितनी जल्दी आपको पॉसिबल अपॉर्चुनिटी मिल जाए उतनी जल्दी. हो सकता है जिस पार्टी को, जैसे अपोजिट पार्टी को उठाना था, लेकिन उस अपोजिट पार्टी को भी नॉलेज नहीं था इस बात का कि अरे ये जो प्लेंटिफ ने सूट फाइल कर दिया है इसकी अधिकारिता तो कहां लगती, सागर में लगती. लेकिन भले ही जबलपुर में सूट फाइल हो गया और कुछ प्रोसीडिंग्स चल भी गई, एक दो ट्रायल हो भी गए, उसके बाद उसको पता चला, उसके वकील को पता चला कि अरे इसकी तो अधिकारिता जबलपुर को है ही नहीं, तो जैसे ही आपको पता चला आप तुरंत उसको वहीं पर ऑब्जेक्शन उठा दीजिए उसको लेकर, अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, जैसे ही आपको पता चला. फिर तीसरी कंडीशन इन्होंने बताई है, एंड इन ऑल केसेस वेयर इश्यूज और सेटल्ड एट और बिफोर सच सेटलमेंट. अब ऐसे मैटर जहाँ पे इश्यूज सेटल होने हैं, कोई भी केस जब न्यायालय में हम फाइल करते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है इश्यूज सेटल करने का. प्लेंटिफ अपना प्लेंट दायर करता है, डिफेंडेंट अपना रिटन स्टेटमेंट देता है, वाद पत्र देता है वादी, और डिफेंडेंट क्या देता है, अपना रिटन स्टेटमेंट देता है. तो जैसे प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ बोल रहा है कि ये पर्टिकुलर जमीन मेरी है, इस पे मेरा, मैंने रजिस्ट्रेशन भी करवाया है, इतने सालों से मैं पोजेशन में हूँ, और ये जो बी पार्टी है इसने अनलॉफुल कब्जा कर लिया तो मुझे कब्जा दिलवाया जाए. और जो डिफेंडेंट होगा उसने अपने रिटन स्टेटमेंट में अपने फैक्ट्स रखे होंगे कि नहीं ये तो जमीन मेरी है और हम इस जमीन पे हमारे पुरखों के टाइम से खेती करते आ रहे हैं, इस पे हमारा पोजेशन है तो इस पे हमारा हक है. तो अब इश्यूज क्या है, तो वो सेटल कौन करता है, वो कोर्ट करता है. तो कोर्ट दोनों के प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट को देख करके इश्यूज बनाता है कि कौन से डिस्प्यूट है एक्चुअल में इनके बीच जो डिसाइड कर रहे हैं, उसको बोला जाता है सेटलमेंट ऑफ इश्यू. तो ऐसा तो हर मैटर में सेटलमेंट ऑफ इश्यू होता है. तो इन्होंने क्या बताया कि जब भी इश्यूज सेटल होने हैं तो आपके पास एक और पॉइंट है कि अब आप ऑब्जेक्शन कब उठा सकते हो, या तो इश्यूज सेटल होने पर, मतलब जब इश्यूज का सेटलमेंट चल रहा है, कोर्ट ने कर दिए इश्यूज सेटल कर दिए कि हाँ इन पार्टीज के बीच में
ये इशू है, ये सॉर्ट आउट होने, आप उस समय पर ऑब्जेक्शन उठा लीजिए कि सर नहीं, आपको तो सुनने की अधिकारिता है ही नहीं, ये कोर्ट तो, ये केस तो हमारा सागर की कोर्ट में जाएगा या बिकू। तो या तो इशू सेटल होने के पहले ऑब्जेक्शन उठा लो, या तो इशू सेटल हो गए हैं उस समय पर ऑब्जेक्शन उठा लो। ये तीन कंडीशन आपको बताएंगे आप ऑब्जेक्शन कब कब उठा सकते हैं, या तो प्रथम बार के न्यायालय में, या अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, या जहां इश्यूज सेटल होने हैं तो इश्यूज सेटल होने के पहले, या इश्यूज सेटल होने पर आप ऑब्जेक्शन उठा लीजिए। एंड फिर क्या लिखा है, एंड अनलेस देयर हैज बीन अ कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस, ये हम ऊपर वाली लाइन के साथ जोड़ेंगे। कहा गया है कि नो ऑब्जेक्शन एज टू द प्लेस ऑफ हियरिंग शैल बी अलाउड बाय अपीलिएट और रिविजनल कोर्ट unless there has been a consequent failure of justice. अब कोई भी appellate और revisional court आपका objection allow नहीं करेगी place of suing के आधार पे, अगर ऐसा किसी court ने decree पारित कर दी है और उससे कोई भी justice का failure of justice नहीं हुआ है, merits पर case decide हुआ है, demerit कुछ भी नहीं हुआ है, तो ऑब्जेक्शन अलाउड नहीं करेगी। अब ऑब्जेक्शन कहां पर अलाउड नहीं होंगे, कहां की बात कर रहे हैं, अपीलिएट और रिविजनल कोर्ट की बात कर रहे हैं। तो सेक्शन 21 आपसे कह रही है कि भाई साहब अगर आपको कोई आक्षेप उठाना है, कोई ऑब्जेक्शन उठाना है, तो जागो ग्राहक जागो, सोते मत रहो, ये नहीं वेट करो कि जब अपील होगी आप तब ऑब्जेक्शन उठा लेंगे, सुन तो लेने दो, नहीं है अधिकारिता जबलपुर की कोर्ट को तो क्या हुआ, सुन लेने दो, आराम से चलने दो, वादी का पैसा खर्च होने दो, जब अपील होगी तब हम अपील में उठा लेंगे, या जब रिवीजन होगा तो रिवीजन में उठा लेंगे। तो ये बोला गया कि नहीं, आपको सोते नहीं रहना है, आपको हमने बोल दिया है कि आपको या तो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस पे उठा लेना है, या तो अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे उठा लेना है, या तो जहाँ इश्यूज सेटल होने हैं उसके पहले, या इश्यू सेटल होने पर उठा लेना है। इन तीन कंडीशंस में अगर आपने नहीं उठाया और आप बैठे रहे कि अपील जब होगी तब हम उठाएंगे, तो आपको अपीलिएट कोर्ट और रिविजनल कोर्ट में ऑब्जेक्शन नहीं उठाने दिया जाएगा, अलाउड ही नहीं करेगा। अपीलिएट कोर्ट और रिविजनल कोर्ट क्या है, अलाउड ही नहीं करेगा, ठीक है। दूसरी चीज है, अब आपका पूरा केस सॉर्ट आउट हो गया और जब अपीलिएट या रिविजनल कोर्ट में आप गए और आपने ऑब्जेक्शन उठाया, हो सकता था कि आपने ये ऑब्जेक्शन पहले भी उठाया था लेकिन कोर्ट ने इग्नोर करके डिसाइड कर दिया, मतलब आपने कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में भी बोला था, आपने इशू सेटल होने के टाइम पे भी बोला था, लेकिन कोर्ट ने चलो कैसे भी करके नहीं मानी, सुनी आपकी बात और डिसाइड कर दिया। फिर आपने अपीलिएट और रिविजनल कोर्ट में सुना तो क्या होगा, तो फिर ये देखा जाएगा कि क्या जो कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है, डिक्री पारित कर दी, तो क्या उससे फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है। अगर फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हो रहा है तो फिर आपको ऑब्जेक्शन नहीं उठाने दिया जाएगा। क्लियर है ये वाला पॉइंट। अब है मिलता जुलता दूसरा पॉइंट। तो बस अब आपको ध्यान क्या रखना है, पॉइंट समझ में आ गए, यही सेम पॉइंट है। तो पहले में सबसेक्शन 1 में प्लेस ऑफ सुइंग के आधार पे, सबसेक्शन 2 में बात कर रहा है कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट विद रेफरेंस टू पिक्यूनरी लिमिट्स ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन। अब धन संबंधी अधिकारिता से रिलेटेड भी आपको अगर कोई ऑब्जेक्शन उठाना है तो उसके लिए भी सेम आधार है कि कोई भी अपीलिएट और रिविजनल कोर्ट आपको ऑब्जेक्शन उठाने नहीं देगा अगर आपने ये ऑब्जेक्शन कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में नहीं उठाया है, या फिर अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे नहीं उठाया है, या फिर जहां इश्यूज होना इश्यूज सेटल होने हैं तो उस सेटलमेंट के पहले, या फिर सेटलमेंट पर, या फिर वही कॉन्सिक्वेंस ऑफ फेलियर ऑफ जस्टिस, अगर ऐसा कोई मैटर डिसाइड हो गया है और उससे कोई जस्टिस फेल नहीं हो रहा है तो आपको ऑब्जेक्शन नहीं उठाने दिया जाएगा। यहाँ पर एक उपधारणा चलती है, सेक्शन 21 में उपधारणा ये चलती है कि अगर आपने पहले ही ऑब्जेक्शन नहीं उठाया है और आप अपील का वेट कर रहे हो या आप रिवीजन का वेट कर रहे हो, तो अपीलेट और रिविजनल कोर्ट में आपको ऑब्जेक्शन नहीं उठाने दिया जा रहा है। क्यों नहीं उठाने दिया जा रहा है, क्योंकि अपीलेट और रिविजनल कोर्ट या जो हमारी विधि है ये उपधारणा करके चलती है कि यदि आपने पहली अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे आपने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, मतलब आपने खुद अपने इस अधिकार का त्याग कर दिया। वेवर ऑफ ऑब्जेक्शन कहते हैं इसको इंग्लिश में, प्रिंसिपल ऑफ वेवर ऑफ
ऑब्जेक्शन, आक्षेप के आधार का त्याग करने का सिद्धांत, ठीक है। तो सेक्शन 21 सबसेक्शन 1 और 2 जो है वो क्या बोलती है कि यदि आपने जब आपको समय था उठाने का आक्षेप, अगर आप वहां पर आक्षेप नहीं उठा रहे हैं तो ये मान लिया जाएगा कि आपने अपने आक्षेप उठाने के अधिकार का त्याग कर दिया है, वेवर कर दिया है। अब बात हो रही है थर्ड वाले क्लॉज की, एग्जीक्यूशन प्रोसीडियर। अब इसने कहा है नो ऑब्जेक्शन एज टू द कॉम्पिटेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट विथ रेफरेंस टू द लोकल लिमिट्स ऑफ इट्स ज्यूरिसडिक्शन शैल बी अलाउड by any appellate or revisional court unless such objection was taken in the executing court at the earliest possible opportunity and unless there has been a consequent failure of justice। अब भाई बात execution तक पहुंच गई है, court ने पूरा matter, trial court ने पूरा matter decide कर दिया, decree भी पारित हो गई, अब उस डिग्री को एग्जीक्यूट करने की बात आई है। तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो है तो क्या तब आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं? तो फिर उन्होंने सिर्फ दो पॉइंट रखे, क्यों? क्योंकि इश्यूज का सेटलमेंट वाला पॉइंट हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि इश्यूज का सेटलमेंट फर्स्ट स्टेज ऑफ द सूट होती है, तो वो तो कौन करेगा? जो आपने ट्रायल जब शुरू करी थी तो वही से हो जाएंगे इश्यूज। सबसे पहले तो इश्यूज ही सेटल होंगे, तब तो प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी। इसलिए एग्जीक्यूशन के टाइम पे सेटलमेंट इशू का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए इन्होंने कहा है कि नो ऑब्जेक्शन एज टू कॉम्पिटेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट विथ रेफरेंस टू द, अब आप एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को आपकी डिग्री को एग्जीक्यूट करने की अधिकारिता है या नहीं है उसके ज्यूरिसडिक्शन को लेकर के आप ऑब्जेक्शन अपीलिएट और रिविजनल कोर्ट में नहीं उठा सकते हो, ये बोल रहे हैं वो। कि अब क्या हुआ कि आपकी डिग्री पारित की है जिस कोर्ट ने, उसी कोर्ट ने आपकी डिग्री को एग्जीक्यूट भी कर दिया, तो क्या एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के लिए आप अपील में और रिवीजन कोर्ट में ऑब्जेक्शन उठा सकते हो? क्या आप ये कह सकते हो कि जो जिस कोर्ट ने मेरी डिग्री एग्जीक्यूट की है सर, इस कोर्ट को तो अधिकारिता ही नहीं थी मेरी डिग्री को एग्जीक्यूट कराने की? तो आप ये बात कहाँ कर रहे हो? अपीलेट कोर्ट में कर रहे हो। जब आपने अपील फाइल करी तब आप बोल रहे हो कि सर ये जो डिग्री एग्जीक्यूट कर दी है ना कोर्ट ने, तो इनको तो अधिकारिता नहीं थी मेरी डिग्री को एग्जीक्यूट करने की। तो फिर से वही उन्होंने कहा कि नहीं, आपको अपीलिएट और रिविजनल कोर्ट में ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं उठाने दिया जाएगा कि आप ये पॉइंट बोलो कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को मेरी डिग्री एग्जीक्यूट कराने की अधिकारिता नहीं थी, प्लेस ऑफ सुइंग या पिक्युलरी संबंधी, मतलब उसके क्षेत्राधिकार में ही नहीं आता था। इन्होंने कैसे मेरी डिग्री एग्जीक्यूट करा दी? या इनके पास तो 10 लाख तक की सुनने के मामले थे, मेरी डिग्री तो 20 लाख रुपए की थी, तो इन्होंने कैसे एग्जीक्यूट करा दिया? आपको अगर ऑब्जेक्शन उठाना है तो फिर से वही पॉइंट आ गए, आप कब उठाएंगे? आपको ऑब्जेक्शन उठाएंगे सच ऑब्जेक्शन वॉज टेकन इन द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। आपको अगर ऐसा लग रहा था कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को आपकी डिग्री एग्जीक्यूट करने का अधिकार नहीं है तो वही उठा देते एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, तो आपको ये ऑब्जेक्शन एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में उठा लेना है या फिर एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, या जैसे ही एग्जीक्यूटिंग प्रोसीडिंग शुरू हो गई थी और एग्जीक्यूटिंग प्रोसीडिंग शुरू होने के कुछ स्टेप्स भी हो गए थे तब तक आपको नहीं पता था, लेकिन 3-4 स्टेप के बाद आपको पता चल गया कि अरे इस कोर्ट को तो अधिकारिता है ही नहीं एग्जीक्यूट कराने की, तो फिर उस अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पर आप आक्षेप उठा देते। लेकिन आपने क्या किया कि जब एग्जीक्यूट करने वाला कोर्ट ने प्रोसेस शुरू किया तो आपने ना तो तब आक्षेप उठाया ना अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे उठाया, तब फिर आपको अपीलिएट और रिविजनल कोर्ट में ऑब्जेक्शन नहीं उठाने दिया जाएगा। ये मान लिया जाएगा कि आपने खुद से ही अपने ऑब्जेक्शन उठाने का अधिकार को क्या कर दिया है, वेव कर दिया है, त्याग कर दिया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेवर का, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, अधित्याग का सिद्धांत, ठीक है। ये हो गई आपकी सेक्शन 21। अब इसी से मिलती जुलती है हमारी सेक्शन 21A, तो हम सेक्शन 21A भी एक बार डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी थोड़ी देर बाद ये दोनों सेक्शन हम लोग कंप्लीट कर लें, उसके बाद मैं आपसे पूछ लूंगी कि क्या डाउट है, तब आप अपने डाउट क्लियर कर लेना, ठीक है। अब हम एक बार देख लेते हैं सेक्शन 21A। सेक्शन 21A बात करती है बार ऑन सूट टू सेट असाइड डिग्री ऑन ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ सुइंग, बाद लाने के स्थान के बारे में आक्षेप पर डिग्री को अपास्त करने के लिए वाद का वर्जन।
वो कह रहे हैं कि ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ सुइंग, किसी न्यायालय को आपका केस सुनने की अधिकारिता नहीं थी क्योंकि आपका जो मैटर है वो उस कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता था, ये ऑब्जेक्शन आपको लेना है। तो इस ऑब्जेक्शन के ग्राउंड पे जो ऑलरेडी डिक्री पारित हो चुकी है, आप उस डिक्री को सेट असाइड कराने के लिए कोई नया सूट फाइल नहीं कर सकते। ये सेक्शन 21 आपको ऑर्डर कर रही है। सिंपल सी बात है, जब आपको अपील और रिवीजन में ऑब्जेक्शन नहीं उठाने दिया जा रहा है, जब आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अपील और रिवीजन कोर्ट में ही ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते, आपको अगर ऑब्जेक्शन उठाना है तो कब उठा लो, पहले ही कोर्ट में उठा लो, अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी में उठा लो, जो प्रोसीडिंग्स की आपकी प्रिलिमिनरी स्टेज होती है तब उठा लो। तो जब वो ऑब्जेक्शन नहीं उठाने दे रहे तो आपको नया सूट उस ग्राउंड पे कैसे फाइल करने देंगे। तो सेक्शन 21A यही प्रावधान करती है। इसमें क्या कहा गया है, नो सूट शैल लाई चैलेंजिंग द वैलिडिटी ऑफ अ डिग्री पास्ट इन अ फॉर्मर सूट बिटवीन द सेम पार्टीज और बिटवीन द पार्टीज अंडर हुम दे और एनी ऑफ देम क्लेम लिटिगेटिंग under the same title on any ground based on an objection as to place of swing। isme kaha hai ki usi hak ke adheen mukadma karne wale unhi pakshkaron ke beech ya aise pakshkaron ke beech jinse vipurn adhikar ke adheen ve ya unme se koi dava karte hain kisi purvarti vaad mein par decree ki vidhimanyata ko वाद लाने के स्थान के बारे में किसी आक्षेप के आधार पर प्रश्नगत करने वाला कोई वाद नहीं लाया जाएगा। तो इसमें उन्होंने सिंपली एक बात बोली है, क्या बोला है, यहाँ पे वर्ड्स रेस जुडिकेटा जैसे लग रहे होंगे आपको, सेम पार्टी वो पार्टी अंदर हूं दे, तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपकी दो पार्टीज है ए और बी, ए और बी के बीच में प्रॉपर्टी के पोजेशन को लेकर के विवाद था, वो मैटर इन्होंने फाइल कर दिया, वही सागर में क्षेत्राधिकार था लेकिन सागर में न करके कहाँ फाइल कर दिया आपने, जबलपुर में फाइल कर दिया। ऑब्जेक्शन उठाना था आपको, पार्टी ने ऑब्जेक्शन उठाया नहीं, ऑब्जेक्शन नहीं उठाया तो सेक्शन 21 के अंतर्गत क्या मान लिया गया कि आपने अपने ऑब्जेक्शन उठाने का अधिकार को छोड़ दिया और जबलपुर के कोर्ट ने डिक्री पारित कर दी, तो वो डिक्री वैलिड मानी जाएगी। अब आप सेक्शन 21 के अंतर्गत अब ये कहा गया है कि ए और बी पार्टी जिन्होंने जबलपुर से अपना कोर्ट डिसाइड करवा लिया है, डिग्री भी पारित हो गई है, तो अब ए और बी पार्टी फिर से दूसरा सूट फाइल नहीं करेंगे, उस डिग्री को, उस डिग्री की वैलिडिटी को आक्षेप करने के लिए। वो ये नहीं कहेंगे कि सर जो जबलपुर ने केस हमारा डिसाइड कर दिया है उसको क्षेत्राधिकार का अभाव था, उसके क्षेत्र में वो मैटर नहीं आ रहा था और इस राउंड को लेकर के आपने सूट फाइल किया है कि ये जो जबलपुर के कोर्ट ने डिग्री पारित कर दी है ना, इसको सेट असाइड कर दी, नहीं तो सेक्शन 21 आपको रोकती है। सेक्शन 21 कहती है कि नो सूट शैल लाइ चैलेंजिंग द वैलिडिटी ऑफ द डिग्री, आप डिग्री की वैलिडिटी को चैलेंज करने के लिए कोई भी सूट फाइल नहीं करेंगे जिसमें उन्हीं सेम पार्टीज के बीच में डिग्री पारित हो गई है, इस आधार पर नहीं करेंगे, ऑन एनी ग्राउंड बेस्ड ऑन एन ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ क्लेम, वाद करने के स्थान से ऑब्जेक्शन को ग्राउंड बना करती, जो डिग्री पारित हो गई है आप दोनों के बीच में, सेम पार्टीज के बीच में, उसी के वैलिडिटी को चैलेंज करने के लिए आप कोई दूसरा सूट फाइल नहीं करेंगे। ये बात करती है सेक्शन 21A। अब इसमें सेम एक्सप्लेनेशन जुड़ा हुआ है, देखिए एक बार, जैसा हमने रेस जुडिकेटा में पढ़ा था कि फॉर्मर सूट कौन सा खिलाएगा, तो वही सेम है। द एक्सप्रेशन फॉर्मर सूट मीन्स अ सूट which has been decided prior to the decision in the suit in which the validity of the decree is questioned, whether or not the previously decided suit was instituted prior to the suit in which the validity of such decree is questioned। isme kaha gaya hai ki jo purvarti vaad hai na, jo wo keh rahe hai na pehle wale vaad mein jo decree parit ki gayi hai, to seedhi si baat hai, pehla vaad kaun sa vaad hoga jiska decision pehle hua hai, ना कि जो इंस्टीट्यूट पहले किया गया है। ये हमने रेस जुडिकेटा में भी रेस जुडिकेटा में भी पढ़ा था कि जो सूट इंस्टीट्यूट किया गया है तो इंस्टीट्यूशन की डेट से नहीं डिसाइड होता है कि कौन सा प्रीयर सूट है, डेट ऑफ डिसीजन से होता है, किसका डिसीजन पहले आ गया। ए और बी ने सूट फाइल करा था एक,
और फिर उन लोगों ने दूसरा सूट भी सागर में फाइल कर दिया। सपोज करो उनको किसी को लगा कि अरे यार इसका जो ज्यूरिसडिक्शन है वो जबलपुर में नहीं है, सागर में है, तो पहले तो उन्होंने जबलपुर में फाइल किया था और फिर सागर में फाइल कर दिया था, लेकिन एक्चुअली में डिसीजन पहले जबलपुर का ही हो गया। अरे तो तुम्हें फाइल करने की क्या जरूरत है, तुम ऑब्जेक्शन उठा देते वहां पर, लेकिन तुमने क्या किया, ऑब्जेक्शन नहीं उठा, तुमने क्या करा, सूट यहाँ पर उठा दिया कि अरे ये जो डिक्री है ऐसा था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, फॉरवर्ड सूट कौन सा माना जाएगा जिसका डिसीजन पे लिया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है एक्सप्लेनेशन, तो एक्सप्लेनेशन पे ध्यान नहीं देना है। सेक्शन 21 और सेक्शन 21A दोनों की हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडिंग से बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं इसमें। आप लोगों के पास नहीं पता नया बियर एक्ट है या नहीं, मेरे पास है और ये बहुत बार जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो सिविल जज छत्तीसगढ़ 2016, MPADJ 2015, उत्तराखंड CJ 2011 और 2008 और MPADPO 2010 में इसके क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो हेडिंग याद रखना है और इनके ग्राउंड्स पे क्वेश्चन बनता है फ्री में, कि जो ऑब्जेक्शन है वो आपको कब उठाना है। तो पहला ऑप्शन देंगे वो एट द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, और थर्ड वाला ऑप्शन इशू सेटल होने के टाइम पे ऑल ऑफ एवर, अधिकतर यही बनता है। तो आपको सिर्फ करना होता है ऑल ऑफ एवर, ठीक है। चलिए अब मैं आप लोग अपना अपना ऑडियो ऑन कर लीजिए, आज की क्लास हमारी मतलब सेक्शन 20 और 21 हमारी कंप्लीट हो गई है। आज का सेशन इतना ही था, आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कर लीजिए अपना ऑडियो ऑन सभी लोग। मनीषा ऑन कर लो, नुपुर जी ऑन कर लीजिए, मिश्रा जी ऑन कर लीजिए, नेहा ऑन कर लीजिए, सचिन जी ऑन कर लीजिए अपना ऑडियो। अब बताइए कोई डाउट है ये दोनों सेक्शन में, क्लियर है बिल्कुल? कोई कुछ बोलो, मुझे आवाज नहीं आ रही है। मनीषा क्लियर है? यस मैम, यस मैम। हाँ संकेत ठीक है ना, बढ़िया। चलो अब जरा तुम ये तो बताओ, रेस जुडिकेटा जो हमने पढ़ा था, तो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा कौन सी एक्सप्लेनेशन में आता है? एक्सप्लेनेशन फोर में क्या था? हेडिंग से क्वेश्चन बनते हैं। 16 में क्या था? सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड। नहीं कहा तो सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर, आगे तो बताओ मेन चीज। फॉरेन जजमेंट को कंक्लूसिव माना गया है या नहीं माना गया है, कौन सी सेक्शन के में बताया गया है व्हेन फॉरेन जजमेंट नॉट कंक्लूसिव? सिद्धांत कहाँ है? क्या है बार 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 टू फर्दर सूट, बार टू फर्दर सूट, बार टू फर्दर सूट, बार बार कर रहे हो। अब बताओ पिकुलरी जुरिस्डिक्शन कौन से सेक्शन में बताइए? सेक्शन 6। वेरी गुड, सेक्शन 6। क्या सीपीसी रेवेन्यू कोड से अप्लाई होगी? नो, तो नहीं होगी। नहीं अच्छा होगी, होगी कौन सी धारा के अंदर? 5। हाँ रेसिडेंसी स्मॉल कॉर्प कोड कहाँ बताए? 7, 8, 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 8
cause, small cause. Section 9 की heading. सीधा-सीधा heading के question बनना है भाई. Court to try all civil suits unless barred.
कोर्ट ट्राई ऑल सिविल सूट अनलेस बार, जब तक की वर्जित ना हो न्यायालय सभी सिविल वादों का विचारण करेंगे। तो सिविल प्रकृति के वाद को कहां डिफाइंड किया गया है, किया गया है, मतलब सिविल प्रकृति के वाद कौन से होते हैं? रिलेटेड टू कोर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, कोर्स एंड प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं। ठीक है, पढ़ नहीं रहा है लेकिन क्लास जितनी पढ़ता है उतना ध्यान से सुनता है, इसलिए आंसर दे रहे हैं, इतना तो पता है। चलो ये भी ठीक है, तो मतलब लगभग लगभग हेडिंग्स हेडिंग्स तो याद हो गए, क्योंकि देखो अभी जितनी भी सेक्शन हमने पढ़ी है ना, इनकी हेडिंग्स में से और जिस टाइप से क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं ऐसे ही क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में बनते हैं। तो ज्यादा बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल घुस के पढ़ना और बिल्कुल ऐसा सोचो लैंग्वेज एकदम रट जाए, लैंग्वेज नहीं रखना है, हमें उसके इंग्रेडिएंट्स याद रखना है। सेक्शन की हेडिंग याद करिए और सेक्शन की हेडिंग याद करने के बाद उसमें क्या मेन चीज है, क्या इंग्रेडिएंट इम्पोर्टेंट है, पढ़ने से समझ में आ जाता है। जैसे हमने सेक्शन 9 में से पूछ लिया, सेक्शन 9 में से हमने क्या पूछ लिया कि कौन से वाद है जो सिविल नेचर के होते हैं, तो उसके एक्सप्लेनेशन में हमने पढ़ा था कि सूट्स रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी एंड कोर्ट्स आर टर्म्ड एज क्या, सूट ऑफ सिविल नेचर। तो ऐसे ये क्वेश्चन बनते हैं। रेस जुडिकेटा मैंने बता दिया था, हाँ रेस जुडिकेटा से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या PIL पे रेस जुडिकेटा वर्क करेगा? Yes, ma'am. कंफर्म बताओ, कंफ्यूजन वाले स्टेटस में बता रहे हो? नहीं होता मैम। हाँ करेगा PIL क्या है? एक्सप्लेनेशन 6, एक्सप्लेनेशन 6 रिप्रेजेंटेटिव 2 एंड PIL क्या है? PIL इज अ रिप्रेजेंटेटिव 2, ठीक है, PIL पे वर्क करता है। एक्सप्लेनेशन 8 क्या है? लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन वाला है, लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन वाला है, मतलब एक्सप्लेनेशन 8 जो है ना वो सेक्शन 11 की जो लैंग्वेज है एग्जैक्ट उसका कहीं ना कहीं एक्सेप्शन बोल सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 11 बात करती है कॉम्पिटेंट कोर्ट होना चाहिए, जो डिग्री पा रही थी वो कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा होना चाहिए, और सेक्शन 8 क्या बोल देती है कि अगर लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन के कोर्ट ने भी पारित कर दी है डिग्री तो भी हम मान लेंगे कि वो एज रेस जुडिकेटा ऑपरेट करेगी, है ना। और अभी हमने अभी लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कौन सा सेक्शन पढ़ी, मेरे खुद दिमाग से निकल गया कि वो एज रेस जुडिकेटा ऑपरेट होगा। लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि ये जो है ये रेस जुडिकेटा जैसा ऑपरेट होगा, खुद ही भूल गई मैंने क्या पढ़ाया था। कल देख के बताऊंगी। सेक्शन 13-14, हाँ करेक्ट याद आ गया, सेक्शन 13-14 ऑपरेट एज रेस जुडिकेटा, क्योंकि सेक्शन 13 राइट उसमें ये कहा था कि जो फॉरेन जजमेंट होंगे अगर वो जो 6 ग्राउंड्स बताए हैं अगर उसमें नहीं आ रहे हैं, मतलब वो कंफ्यूजिव है, और अगर वो कंफ्यूजिव है तो वो इंडियन कोर्ट में भी एज रेस जुडिकेटा ऑपरेट है। तो सेक्शन 13 के जो 6 ग्राउंड्स है ना वो आपको 6 ग्राउंड्स याद करना है, पूरी वहां से ऑप्शन बनता है, वो पूछेंगे कि व्हेन फॉरेन जजमेंट आर कंफ्यूजिव, उसमें से कोई एक ऑप्शन देंगे, बाकी 4 ऐसे देंगे जो कंफ्यूजिव है, तो जो कंफ्यूजिव नहीं होगा उससे आपको सिख करना है, ठीक है।